इसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितना लोग इसके लिए पैसा दे के आ रहा है, बस आराम से सो रहा है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, ये अभी जस्ट ही पिछले मंथ में उद्घाटन हुआ है, राजगीर वन्य प्राणी सफारी। हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहान विशाल ब्लॉग्स, और हम लोग लेके आ रहे हैं नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। फैमिली, आज आपको एक खुशी का चीज़ बताने वाले हैं कि आज हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी है। तो अभी हम लोग मंदिर से जस्ट पूजा करके आए हैं, और जैसा कि अगर आपने हमारा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो हम लोग ने बताया था कि हम लोग कहीं इस उपलक्ष्य में कहीं घूमने के लिए जाने वाले हैं, मतलब कहीं भी ट्रैवलिंग करने वाले हैं, बहुत अच्छा जगह है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, हम लोग सब जा रहे हैं, हम क्यारा के मामा, नेहा और मेरा एक फ्रेंड है, सब जा रहे हैं घूमने वहाँ। तो सब तैयार हो गए हैं, और नेहा भी तैयार हो गई है, और बस पैकिंग बचा हुआ है। एक बैग खाना का लेना पड़ा और एक क्यारा का है सिर्फ इसमें, तो खाना वाला सब पैकिंग हो गया, बस क्यारा बची हुई है, सब तैयार हो गया है। निकलते हैं फिर यहाँ से, अब निकल रहे हैं यहाँ से, और अब वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ। है ना? हाँ। बहुत धूप है, अब वहाँ गर्मी ना हो, बस गर्मी वहाँ ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग तेल लेने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। ये इससे मिलिए, ये मेरा फ्रेंड है रंजीत, हेलो। और अभी तेल लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से सीधे हाईवे पे हम लोग। तो अभी क्यारा अपना एप्पल खा रही है, एप्पल बना रही है, एप्पल खा रही है क्यारा। पीछे चलो, पीछे चलो, खाना नहीं चाह रही, चम्मच छोड़ दी और दिक्कत कर दी, हाथे से खा रही है। दोनों बस गप कर रहे हैं, और आगे न्यूज चल रहा है, न्यूज चैनल ऑन है। तो अभी हम यहाँ मार्केट में रुके हुए हैं, क्योंकि नेहा क्यारा का चम्मच नहीं ली थी, तो अब एक हम चम्मच हमको खरीदना होगा, तो हम दोनों चम्मच लेने के लिए आए हुए हैं। नहीं, चम्मच छोटा चम्मच, खाना खाने के लिए छोटा वाला, तो काफी बड़ा किचन के नॉर्मल में दीजिए ना, अभी बस छूट गया था। तो जहाँ आना था वहाँ आ गए हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, जो कि नेहा बना के लाई थी घर से, और रंजीत निकाल रहा है खाना। हम लोग खाना निकाले ही थे कि हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। देखिए, खाना के लिए पहला वन, एक ये हम अभी इसको भगाए हैं, एक उधर से चारों तरफ से मतलब घेर के बैठा हुआ है कि अगर बाहर निकले तो खाना खा लेंगे। नेहा और नेहा का फ्रेंड साथ में बैठा हुआ है, है क्या? ओ आजा ले, देखिए नेहा का फ्रेंड, हैंडशेक करो नेहा, हैंडशेक करो ना, डरने लग रहा नेहा, पहले तो डॉगी से भी डर लगता था, कोको जब से आया डरने लगता है। अभी हम लोग राजगीर आए हुए हैं, बिहार का मशहूर जगह राजगीर, और राजगीर में हम लोग अभी एक नया उद्घाटन हुआ है 22 फरवरी 2022 को, जो कि बहुत सुंदर जगह है। दिखाते हैं अभी कहाँ हम लोग अभी आए हैं, राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, ये अभी जस्ट ही पिछले मंथ में उद्घाटन हुआ है, राजगीर वन्य प्राणी सफारी। और इसका वे इधर से है टिकट लेने का, पहले चलिए टिकट ले लेते हैं, देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है। बच्चा मतलब कितना साल का? वो 2 साल की है, उसका नहीं लगेगा ना, ठीक है। 3 तो अभी कितने का है टिकट? 100 रुपये, एक टिकट 100 रुपये का है। टिकट चाहिए? ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है यहाँ घूमने में? 2 घंटे में हो जाता है ना, 2 से 2.5 घंटे लग जाता। तो अभी हम लोग को टिकट मिल गया है, जैसा कि आपने देखा अभी, और अभी हम लोग इधर जा रहे हैं घूमने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है इसको, चारों तरफ वन्य प्राणी के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं।
और क्यारा मजा से घूम रही है ना। गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी तो रहेगा ही ना। लोकेशन कितना है? चारों तरफ से पहाड़ है, चारों तरफ से, और बीच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे कि अभी कोलू का टोपी उड़ के चला गया है आंखों पे, इतना हवा चल रहा है कि हम लोग पूरा उड़ रहे हैं और क्यारा तो पूरा उड़ के गिर रही है इधर से उधर। ₹100 का टिकट लगा था और अंदर आने के बाद फिर से ₹150 का टिकट अलग से लगा है, तो हम लोग तीन लिए हैं और हम लोग को टाइमिंग मिला है 1 से 2 है और इस टिकट का प्राइस 150 पर हेड है। और लेकिन हम लोग अभी 12:02 हो रहा है तो अभी हम लोग देख रहे हैं कहीं और बहुत सारा घूमने का जगह है अंदर, म्यूजियम वगैरह है, तो अभी अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके घूम लेंगे। पहले अंदर एंट्री कर लेते हैं। वे टू जू सफारी, और इधर ही हम लोग को जू सफारी जाना है, लेकिन अभी टाइमिंग जैसा कि बताया 1 से 2 है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर व्याख्यान के अंदर। नेहा गोलू पहले ही अंदर। राजगीर बहुत खूबसूरत बनाया। देखो क्या रहा है, क्या है ये, क्या है बेटा, व्हाट इज दिस? क्या रहा मेरी गोद में? हाथी है नेहा, देखो हम लोग का पूर्वज, देखो ना हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, देखो। कोको, वो इसका नाम कोको रख दो, घर का नाम कोको। 183D सेंटर, अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या होगा, अंदर 3D मूवी चल रहा होगा। ये एंट्री टिकट यहाँ पर शो करना पड़ता है। नेहा घुस गई, हम भी आ रहे हैं, हम दोनों का। ओ लग रहा अंदर मूवी चलेगा ना, क्या रहा मूवी देखेगी, फिल्म देखेगी, फिल्म। तो अभी हम लोग 3D मूवी देख रहे हैं, देख रही हो ना, देखो अंधेरा हो गया, अब लाइट कैमरा ऑफ करना होगा। और 3D इसलिए है क्योंकि क्या आप जानते हैं कि आप दिन भर में बहुत से पानी, देखो पानी देश की सीमा से परे है, हमें सांस लेने के लिए पानी, जरूरी ऑक्सीजन पिएगी 50। अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी घूमने क्यारा के साथ। लग रहा है तुमको एनिवर्सरी के दिन घूम रही हो दिन भर धूप में, वो भी इतने कड़े धूप में। तुमको नहीं आ रहा है क्योंकि क्योंकि तुम क्यारा को गोदी नहीं ले रही हो, इसीलिए गोदी लेके 5 मिनट चलो देख ले। क्यारा को झूला झूला सकते हैं, गरम होगा, क्यारा बोलेगी ठंडा ठंडा। क्यारा को गरम लगा, अभी नीचे बैठा है तो बोलती है ठंडा, वही तो ठंडा। तो अभी हम लोग चलते चलते बहुत दूर निकल चुके हैं, देखिए उतना दूर से चलते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, लाइन लग रहा है, फाइनली हम लोग का बारी आ गया। वैसे बारी क्या, 1:15 ही बजा है अभी, तो 1 बजे से टाइमिंग है, तो मे बी 1 बज ही जाए बस खोलते समय ना। हम लोग अपने मंजिल के ओर जा रहे हैं, राजगीर जंगल सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी। और इस बस में हम लोग पहले ग्राहक है, मतलब पहले टूरिस्ट है, तो अंदर घुस जाओ जल्दी, अपना मनपसंद सीट जल्दी जल्दी लूट लो अपना मनपसंद। वहाँ से यहाँ आ गए हैं, और क्योंकि उनके थोड़ा पैर में प्रॉब्लम था तो उनको वो वाला फ्रंट सीट दे दिए, और क्यारा वहीं पे बैठी हुई है। गेट बंद हो गया, वाह अब हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और रास्ते बहुत ही जंगल वाला है, सन्नाटा है, उबड़ा खबड़ा रास्ता है। क्या देखोगी जानवर को? तो जरूर देखेंगे हमको। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, देखा भाग रहा है स्पीड में कितना। ओ देखो उधर चल गया, कितना स्पीड में, हम लोग के डर से भाग रहा है। क्या बच्चा है, कितना छोटा है, 1 से 1.5 महीना का मात्र।
टाइगर सफारी बाहर है ना, देखो दो को तीन, हाँ एक बच्चा भी है, टाइगर तो दिखा है लेकिन सो रहा है, हाँ हल्का सा मतलब क्लियर नहीं है, ये यहाँ पे जहाँ मेरा उंगली है अभी क्लियर नहीं आ रहा है जूम इन में। ये है शेर, एशियाटिक लायन, तो टाइगर सो रहा है नया, देखो गेट के पास दो अभी उठा था और एंट्री करके लेफ्ट लेते हुए आया था, क्या रहा टाइगर सोया हुआ है, क्या रहा टाइगर थोड़ा जो पिछले जी, क्या रहा देखी टाइगर पिछले, क्या रहा देखी खुश, पैसा वसूल हो गया क्या टाइगर, अभी बैक कर रहा है और ये मेल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कितना लोग इसके लिए पैसा दे के आ रहा है, बस आराम से सो रहा है। Oh,